उधर गाजा में जंग के दौरान समंदर में गिरे खाने के पैकेट निकालने की कोशिश में 18 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि अमेरिका ने हेलीकॉप्टर से वहां खाने पीने के सामान के 80 पैकेट भेजे जो अलग अलग पैराशूट के जरिए नीचे गिराए जा रहे थे, लेकिन इस बीच कई पैराशूट में खराबी आ गई और कई पैकेट समंदर में जा गिरे। इसके बाद तो वहां खाने पीने का सामान लेने के लिए होड़ मच गई। बड़ी संख्या में लोग समंदर के किनारे दौड़ लगाते नजर आए क्योंकि वहां एक साथ आसमान से कई पैराशूट गिरते दिखाई दिए और उन पैराशूट से सामान लेने के लिए भीड़ टूट पड़ी। कुछ पैराशूट सड़क पर गिरते दिखे तो कुछ इमारत की छतों पर गिर गए। उनमें कई पैराशूट जमीन पर न गिरकर समंदर में ही गिर गए और उनमें बांधे गए बड़े बड़े पैकेट खुलकर लहरों के बीच बिखर गए। वहां समंदर में गिरे पैकेटों को लेने के लिए कई लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। वो लोग दौड़ते हुए समंदर के बीच जाते दिखे और इसी बीच वहां भगदड़ मच गई। कुछ लोग तो समंदर के किनारे बेहोशी की हालत में पड़े दिखाई दिए, लेकिन भगदड़ मचने के बाद भी कुछ लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपनी जान की परवाह किए बगैर उफनती लहरों के बीच पहुंच गए। वहां छोटे छोटे बच्चे भी समंदर में पैकेट तलाशते नजर आए क्योंकि गाजा में जंग की वजह से बड़े पैमाने पर लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं। और ऐसे में जब वहां खाने पीने के पैकेट पहुंचाए गए तो उन पैकेटों को लेने के लिए लोगों ने जी जान लगा दी। उन लोगों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी अपनी भूख मिटाने के लिए समंदर के बीचों बीच पहुंच गए और उन लोगों ने खौफनाक लहरों को चुनौती दे डाली। वहां समंदर में दूर दूर तक लोग खाने पीने के पैकेट ढूंढते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, समंदर का किनारा भी लोगों से भरा दिखाई दिया। कुछ लोग काफी जद्दोजहद करने के बाद पैकेट लेने में कामयाब हो गए, लेकिन वहां एक आदमी पैकेट लेने के बाद रोता बिलखता नजर आया। यानी वहां से सामने आई तस्वीरों ने गाजा में लोगों के दर्द को बयां कर दिया क्योंकि वहां लंबे वक्त से लोग खाने पीने की किल्लत से परेशान हैं और यही वजह रही कि वहां जब खाने के पैकेट पहुंचाए गए तो वो लोग समंदर के बीच जाने को मजबूर हो गए। गाजा में खाने पीने के पैकेट तलाशने के दौरान 12 लोग समंदर में डूब गए जबकि 6 लोगों की भगदड़ में जान चली गई। बताया गया कि अमेरिका ने खाने पीने का सामान भेजा था और सामान को पैराशूट की मदद से नीचे गिराने की कोशिश की गई, लेकिन इसी दौरान वहां हादसा हो गया और 18 लोगों की मौत हो गई।